व्रत रखना उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना डिफिकल्ट है साबुदाने की खिचड़ी को परफेक्ट बनाना। लेकिन फिकर नॉट, इस नवरात्रि माँ दुर्गा ने मुझे भेजा है आपकी हेल्प करने के लिए टू मेक द परफेक्ट नॉन स्टिकी साबुदाना खिचड़ी। अब साबुदाना की खिचड़ी या तो चिपचिपी हो जाती है या फिर कच्ची रह जाती है, तो मैं बताती हूँ ना आपको कि कौन कौन से स्टेप्स में हम गलतियाँ कर रहे थे ताकि आप बना सके एक परफेक्ट साबुदाना खिचड़ी। और हाँ, इसी के साथ साथ ये भी कि भाई साबुदाना की खिचड़ी बनाने के लिए इनमें से कौन सा साबुदाना लेना है। तो आज बन रही है नवरात्रि के लिए स्पेशल साबुदाने की खिचड़ी। और हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमको आती है ना कि साबुदाने की खिचड़ी अक्सर चिपचिपी हो जाती है, उसका भी आपके लिए सोल्यूशन लेके आई हूँ मैं। तो पहले तो देख लेते हैं कि इन तीनों साबुदाना में से हमें कौन सा साबुदाना चूज करना होता है। देखिए, मार्केट में आपको मिलेंगे तीन साबुदाने। एक ये मोटा वाला साबुदाना, ये साबुदाना हम इस्तेमाल करते हैं फ्राइंग के लिए। एक ये सबसे छोटा वाले दाने का साबुदाना, जिसे यूजुअली हम लोग खीर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसी के साथ साथ ये है थर्ड मीडियम साबुदाना। ये साबुदाना जो है ना, इसे इस्तेमाल करेंगे हम अपनी खिचड़ी बनाने के लिए। तो ये तो हो गई आपकी टिप नंबर वन, तीनों में से साबुदाना कौन सा चूज करना है। अब सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज साबुदाने को सोक करना। लेकिन उससे पहले आप साबुदाना की खिचड़ी के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। साबुदाना की खिचड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप मीडियम साइज का साबुदाना, आधा कप मूंगफली, दो छोटे आलू बॉयल किए हुए, एक छोटा चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, एक बड़ा नींबू, कुछ करी लीव्स और इसी के साथ साथ थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी, और दो चम्मच देसी घी, स्वाद के अनुसार सेंधा नमक। अब द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इज इसके मेजरमेंट्स। तो क्या होगा, आपको साबुदाना और पानी को मेजर करके लेना है। इसके लिए मैं लेने जा रही हूँ यहाँ पर एक मेजर्ड कप साबुदाना। और अब इस साबुदाने को आप पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिए ताकि इसका सारा एक्सेस स्टार जो है ना वो निकल जाए। अब खूब अच्छे से इसे रगड़ करके आप धो लीजिए। देखिए इसका पानी कैसे स्टार्ची होने लग गया है, सफ़ेद होने लग गया है। तो ये सारा का सारा एक्स्ट्रा स्टार्च जो है ना, ये हमें यहाँ से निकाल देना है। ऐसे ही दो या तीन बार तो आप कम से कम साबुदाना को जरूर धो लीजिएगा। अब इसका जितना पानी है ना, उसे छन्नी में डाल करके आप निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि हमें इसमें मेजर्ड पानी ऐड करना है, और जितना पानी इसमें रह जाएगा ना, वो उस टोटल क्वांटिटी ऑफ पानी में ऐड हो जाएगा, यानी कि पानी इसमें ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमने साबुदाना धो लिया। अब साबुदाना को सोक करके रखना है, तो कितना पानी चाहिए होगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट। और नोट कर लीजिए टिप नंबर थ्री, जो ये कहती है कि एक कप साबुदाना में हमें चाहिए होगा 3/4 कप पानी नाप तौल के। अगर आप कटोरी ले रहे हैं तो कटोरी के नाप से, और अगर मेजरिंग कप ले रहे हैं तो मेजरिंग कप के नाप से। अब इस 3/4 कप पानी के साथ ये साबुदाना मैं भिगो करके रख दूंगी कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए। अब कितना टाइम इसको सोकिंग के लिए चाहिए, ये तो आपके साबुदाना पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, कम से कम 4 से 5 घंटे का समय जरूर लगता है। तो ये देखिए, ये साबुदाना मैंने ऑलरेडी 5 घंटे से भिगो करके रखा हुआ है। आप नोटिस करेंगे कि इसने सारा का सारा मॉइस्चर जो है वो अब्जॉर्ब कर लिया है, सारा पानी सोक लिया है। और ये देखिए ये कैसे अच्छे से गल भी गया है। इसे अपने ऐसे फिंगर्स में आप दबा करके देखिए, अगर आराम से पूरा स्क्वैश हो जा रहा है तो ये भीग चुका है। तो साबुदाना डन। अब नेक्स्ट स्टेप, मूंगफली भून लेंगे। आधा कप मूंगफली को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे जब तक इसका छिलका अलग नहीं हो जाता। अब मूंगफली चटकने लग गई है, इसका स्किन का कलर भी हल्का हल्का सा चेंज होने लग गया है। बस 2 मिनट इसे मैं और भूनूंगी ताकि इसका कलर जो है वो थोड़ा गोल्डन हो जाए, और फिर इसे हम रिमूव कर लेंगे। अब ये भुनी हुई मूंगफली को एक कपड़े पे निकाल लेंगे और इसे रगड़ करके इसका छिलका हटा देंगे। अब इसे एक प्लेट में निकाल करके ना, इसका ये जो सारा छिलका है इसे हम हटा लेंगे थोड़ा छांट करके। अब इन पीनट्स को अपने मिक्सी के जार में ले लीजिए और इसको पीस करके इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लीजिए। वंस दिस इज डन, अब ये जो भीगा हुआ साबुदाना है ना,
इसे लेते हैं हम एक बड़े बोल में और इसमें ऐड कर देंगे ये पाउडर्ड मूंगफली, इसी के साथ सेंधा नमक टू टेस्ट। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब होगा क्या, जितना इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर रह गया होगा ना, मूंगफली उस सारे मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेगी। मूंगफली इसके साथ साथ इसको देगी एक बहुत नटी सा टेस्ट भी और साथ ही साथ थोड़ा सा प्रोटीन भी। नेक्स्ट स्टेप, गैस को करते हैं ऑन और पैन में गर्म कर लेते हैं थोड़ा सा देसी घी। मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी। घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा ऐड करेंगे इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा, थोड़े करी लीव्स, 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसी के साथ ये 2 आलू जिन्हें मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। और यही नोट कर लीजिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप कि आलू आपका बॉयल करने के बाद अच्छे से ठंडा हो चुका होना चाहिए, तब आप उसको कट कीजिएगा पीसेस में। अगर आपने गर्मा गर्म आलू को कट किया ना तो वो टूटने बिखरने लग जाता है। आलू जब थोड़ा गोल्डन हो जाएगा तब ऐड कर देंगे इसमें ये साबूदाना और मूंगफली जो हमने मिक्स करके रखा हुआ है। अब 2 से 3 मिनट के लिए केवल आपको साबूदाना को अच्छे से पका लेना है, जस्ट 2 to 3 मिनट्स। ध्यान रखिएगा जितना ज़्यादा आप इसे पकाएंगे ना उतना ज़्यादा ये चिपचिपा बनेगा, लेकिन हाँ क्योंकि आपने इसे अच्छे से सोक करके रखा है तो ये गल भी जाएगा। तो 2 से 3 मिनट आलू के साथ इसे टॉस कर दीजिए, उसके बाद हम इसे ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे ताकि हमारा साबूदाना अच्छे से पक जाए। अब साबूदाना में आपको पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसमें जितना पानी है इसने जितना पानी अब्सॉर्ब किया है ना उतने में ही इसमें स्टीम बनेगी और ये अच्छे से पक जाएगा। ये देखिए स्टीम बनना शुरू हो चुकी है, इसी से ये साबूदाना सारा पक जाएगा। 2 से 3 मिनट तो नहीं, हाँ 4 से 5 मिनट मुझे लग गए इसे ढक करके धीमी आँच पर पकाने में। और कैसे पता चलेगा कि साबूदाना जो है वो अच्छे से पक चुका है, आप नोटिस करेंगे कि इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। पहले ये वाइट था, अब ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने लग गया है। दिस इज एन इंडिकेशन कि साबूदाना अच्छे से पक चुका है। अगर फिर भी आपको लगे कि आपका साबूदाना थोड़ा सा कच्चा रह गया है तो डोंट वरी, पैन में हल्का सा पानी का छींटा मारिए, इसे फिर से कवर कर दीजिए 2 मिनट के लिए एंड बिलीव मी योर वर्क विल बी डन। अब गैस को मैंने कर दिया है बंद और ऐड करेंगे इसमें फाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया, 1/2 चम्मच काली मिर्च ऐड करेंगे और 1 नींबू का रस ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे फिर से एक बार आप टॉस कर लीजिए और सर्व कीजिए थोड़े से नींबू के साथ, हरी चटनी के साथ और थोड़े से और कोरिएंडर के साथ। अब ये देखिए साबूदाने का टेक्सचर, एक एक दाना खिला खिला बना है। इफ आई थ्रो इट ऑन माई प्लेट एक एक दाना अलग अलग आता है। कहा था ना परफेक्ट साबूदाने की खिचड़ी कैसे बनती है आपको बताऊंगी, नोट कर लिया आज आपने सारे पॉइंट्स। बस अब नवरात्रि में इस बढ़िया से खिचड़ी का मजा लीजिएगा, मुझे जरूर बताइएगा कैसी बनी। ऐसे ही 2 से 3 बार तो हम इसे अच्छे से मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे कि जब तक ये रोस्ट नहीं हो जाती।